मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों और यह वीडियो देखने वालों को नमस्कार। कल मैंने देर रात वो वीडियो डाला महाराष्ट्र में साजिश वाला, और उसमें बहुत सी चीजों का जिक्र मैंने किया। और मेरा बहुत साफ मानना है कि उद्धव ठाकरे वो शायद उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, जो राजनीतिक शातिरपना जो होता है वो उनके अंदर नहीं है, और इसी वजह से वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में दरअसल हो क्या रहा है, वहां स्थिति कितनी गंभीर है, और उसकी मैंने चर्चा कल बहुत विस्तार से की है। लेकिन अभी मैं, चूंकि कल जो एक नाम आया और इसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है, तो अब जो पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है मैं सिर्फ उस आधार पर बात करूंगा। और चूंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री वो अनिल देशमुख हैं, जिन्होंने कल बयान दिया, पहले तो बयान दिया कि हमने कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और फिर ये भी बताया कि इतने मामले दर्ज हो गए हैं, और उसके बाद एक और बयान दे दिया कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने देशबंदी ठीक से नहीं की उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब जब गृहमंत्री इस तरह का बयान देने लगे, मुख्यमंत्री के बेटे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे इस तरह का बयान देने लगे, तो ये खतरनाक हो जाता है। निश्चित तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, ये अगर कोई कहीं फंसा हुआ है तो उसको निकालने का, लेकिन अगर यही निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा तो अगले 3 महीने तक यही होता रहेगा। अगले 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ आप जरूरतमंद को इधर से उधर ले जाते रहेंगे। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो जहां है उस वहां की राज्य सरकार उसके खाने का, उसके राशन का इंतजाम करे। मुश्किल हो रही तो केंद्र सरकार से बात करे, और वो जो पीडीएस के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो अनाज दिया जाता है वो अनाज उनको मिले। अब कल मैंने विस्तार से बहुत उस पर बात की थी, इसलिए दोबारा उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन अनिल देशमुख, जो पहले मैंने बताया था कि वधावन, जो कपिल और धीरज वधावन, जो 5 गाड़ियों में 23 लोग खंडाला से महाबलेश्वर चले गए थे, उन्हीं के प्रमुख सचिव गृह की चिट्ठी से, और बाद में प्रमुख सचिव गृह को फोर्स लीव पर भेजकर और अपना काम कर लिया गया। लेकिन क्या इतने भर से बात बन जाएगी, या इतने भर से हम कहें कि वो गलती सुधार ली जाएगी, तो इसका जवाब नहीं में ही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या मुख्यमंत्री समझ पा रहे हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल एक खड़ा हो गया है। अभी जिस विनय दुबे का नाम आ रहा है, भदोही का रहने वाला वो आदमी, और वो उसको मैं कहूं कि मानसिक विक्षिप्त है, वो राजनीति में आने के लिए वो विक्षिप्त है, और किस हद तक है उसका अनुमान लगाइए कि 2012 में एनसीपी के टिकट पर वाराणसी उत्तर सीट से, वाराणसी में एनसीपी के नाम पर क्या वोट मिलेगा, लेकिन चूंकि वो मुंबई में रहता था, और अभी ताजा घटनाक्रम के बाद पता चला कि उसके पिताजी वहां ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और जटाशंकर दुबे, और वो भी न पता चलता अगर सोशल मीडिया ना होता, जिसपे अनिल देशमुख ने, गृहमंत्री जी ने डाला है कि ये जटाशंकर दुबे, मराठी में वो उनका लिखा हुआ है कि जटाशंकर दुबे अपनी रिक्शा चालक हैं, अपनी सारी बचत उन्होंने दे दी है, और वो 25,000 रुपए की बचत थी, और उनका बेटा जो है वो विनय दुबे ये लिखता है कि मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे पिताजी हैं। अब आप सोचिए कि वो आदमी 2012 में एनसीपी के टिकट पर लड़ चुका है चुनाव, अभी वो गृहमंत्री को जाकर ये देता है, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद आभार ज्ञापन करता है, और 2014 के लोकसभा चुनाव में जो खबरें थी उस वक्त, जो लोकसभा चुनाव के समय छपी थी, डीएनए में एक रिपोर्ट है धवल कुलकर्णी की, जो अप्रैल 2019 की है, कि उसमें लिखा है कि वो कल्याण लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहता है, और उसने उत्तर भारतीय महापंचायत करके एक एनजीओ बनाया जिसमें राज ठाकरे को भी बुलाया, और उसने कहा कि मैं महाराष्ट्र सैनिक हूं, उन्हीं में से एक हूं, और मुझे तो उत्तर भारतीयों के मत मिल जाएंगे, तो जाहिर है नहीं मिलना था। अब कल्याण में उसको कितना मत मिला, बहुत खोजने पर भी मुझे नहीं मिला, इतना नीचे रहा होगा। जो 2012 में वाराणसी उत्तर में विधानसभा में उसको मिला था, वो मैं बता दूं कि इसको वोट मिला था 560-69 ऐसे कुछ जो है, वो 569 ऐसे कुछ था, मैंने लिखा था लेकिन शायद वो मैं 569 ऐसे ही जहां तक मुझे याद है 2012 में। और उसके बाद ये यहां से लोकसभा लड़ने की तैयारी कर लिया, राज ठाकरे से भी मिलाया, उनको कार्यक्रम में बुला लिया,
अब मैं सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज को किनारे हटा देता हूं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो समाज में विभाजन कराकर जिसको राजनीति इतना करना है नेता बनना है, और सोचिए कि नेता बन जाएगा तो क्या करेगा, जब ये नेता बनने के लिए कर रहा है तो नेता बन जाएगा तो क्या करेगा, किस तरह से समाज का बुरा करेगा। तो मैं तो कहता हूं कि विनय दुबे जैसे हर व्यक्ति पर जो इस तरह से कर रहा है, क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा? अब आजीवन प्रतिबंध मैं कहूंगा तो हो सकता है कई लोग कह दें कि ऐसे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या कुछ कम से कम एक चुनाव, दो चुनाव, चार चुनाव? क्योंकि सारा जो ये विष का काम, विष फैलाने का, जहर भरने का काम इसने किया, वो इसीलिए किया है। और वो आदमी लगातार फेसबुक पर लिख रहा है, वीडियो डाल रहा है अपने कि मैं कर रहा हूं, मैं बसों का इंतजाम कर रहा हूं, निःशुल्क बसें जाएंगी, ट्रेन होगी नहीं होगी तो 18 तारीख तक बैठ जाएंगे सभी रेलवे स्टेशनों पर। वो बार बार हालांकि लोकमान्य तिलक टर्मिनस की बात कर रहा है, बांद्रा की नहीं कर रहा। तो अब सवाल यही है कि ऐसे लोगों को हम आप कैसे देखेंगे? और जब नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन चल रहा, तो मैं कह रहा था कि देश भर में छोटे छोटे जो शाहीन बाग हो गए हैं, इसमें बहुत से लोग अपना उल्लू सीधा करवाए। तो ये विनय दुबे जो है, ये भी नो NPR, नो CA, नो NRC ऐसा लिख के, और इंकलाब जिंदाबाद लिख के, और तानाशाही सोच को भारत से भगाएंगे ऐसा कुछ करके ये भी लगातार राजनीति कर रहा था। इन राजनीति करने वालों से देश को बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे लोग जब राजनीति करते करते और नेता हो जाते हैं, हम सोचिए कि इसको जनता नहीं माननी। बार बार लोग कहते हैं कि खराब लोगों को जनता चुन लेती है। कहां भाई, वाराणसी उत्तर से लड़ा, 550-550 वोट मिले इसको, 569 वोट। लेकिन अब सवाल वही कि धीरे 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 जब नेता हो गया, इसको महाराष्ट्र के गृहमंत्री अपने साथ बिठाने लगेंगे, या महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपने साथ बिठाने लगेंगे, तो फिर क्या होगा? तब तो फिर आज नहीं तो कल लोगों को लगेगा कि अरे नहीं, इसका प्रभाव बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको बहुत ठीक से देखना चाहिए। 11 फरवरी की इस आदमी की पोस्ट है कि भाजपा मुक्त भारत करो, चलो बिहार, चलो पश्चिम बंगाल। अब इस आदमी का मतलब, इसका मानसिक स्तर कहें या क्या कहें, लेकिन इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या आप नेता के तौर पर ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर और राजनीति करके आगे बढ़ रहे हैं? तो अब मैंने देखा कि कई बड़े स्वनाम धन्य पत्रकारों को इस पर भी एतराज है कि उसको NCP नेता क्यों कहा जा रहा है। अरे भाई, जब वो NCP नेता है, NCP के साथ जुड़ा हुआ है, तो NCP नेता ही कहा जाएगा। वो भाजपा के साथ जुड़ा होता हो तो भाजपा के नेता कहा जाता। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें मैं किसी NCP या किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जो विनय दुबे प्रजाति है, इसको जब तक आप खारिज नहीं करेंगे, लानत नहीं भेजेंगे, जब तक आप ऐसे गंध टाइप के लोगों को राजनीति से पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेंगे, तब तक आप इस बुराई को रोक नहीं सकते हैं। पता नहीं कितने विनय दुबे अभी ऐसी हरकतें कर रहे होंगे, उल्टे सीधे वीडियो डाल रहे होंगे, ऐसी भड़काऊ बातें कर रहे होंगे। एक विनय दुबे पकड़ में आ गया है ना, कितने विनय दुबे होंगे इसका कोई अनुमान है क्या? और वो अनुमान लगाया भी नहीं जा सकता। अच्छा, मैं ये जो बात कर रहा हूं, ये बाकायदा जो महाराष्ट्र पुलिस ने 3 FIR दर्ज की है मुंबई पुलिस ने, उसके आधार पर अब सब कर रहा हूं। पहला, 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ कल के मामले में दर्ज किया है। दूसरा, विनय दुबे के खिलाफ दर्ज किया है जो ऐरोली से पकड़ा गया है, नवी मुंबई से। तीसरा, ABP माझा के उस रिपोर्टर के खिलाफ किया गया है जो उस्मानाबाद से पकड़ा गया है, जिस रिपोर्टर ने ABP माझा पर खबर चलाई थी कि रेलवे सूत्रों से पता चला है कि रेलवे तैयारी कर रहा है कि सभी डिवीजन, रेलवे के सभी डिविजनल अफसर जो है डिवीजन, वो अपनी अपनी तैयारी करेंगे और ट्रेन चलाएंगे। बड़ा अच्छा काम हुआ है। ये मैं आपको बताऊं, जो सूत्रों के हवाले से ये इस तरह की रिपोर्टिंग होती है, अभी महामारी के समय में आप रेलवे में सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं, आधिकारिक खबर आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं? ये किस तरह की रिपोर्टिंग है, किस तरह की पत्रकारिता है? ये ठीक वैसा ही काम है जैसा वो विनय दुबे कर रहा है, वैसा ही वो ये रिपोर्टर कर रहा है। और इस प्रजाति को बिल्कुल पूरी की पूरी इस प्रजाति से ठीक से निपटने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि ये जो सारा कुछ हुआ है, इसने सिर्फ घटना के एक पहलू को बड़ा करके दिखा दिया है। मैं फिर से अभी जो कल रात मैंने बात की थी उसी पर कायम हूं, असली खतरा वही है कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को बर्बाद होने की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, चेत नहीं पा रहे हैं,
समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। क्या महाराष्ट्र में वही जो माफिया पॉलिटिक्स है वो फिर से हावी हो रही है? क्या महाराष्ट्र में वही जो अलग अलग पॉकेट के तथाकथित बड़े नेता हैं वो कुछ भी करा देते हैं और राज्य प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है? क्या उसी तरफ महाराष्ट्र जा रहा है? ये बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। और क्योंकि अभी मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि कल का जो मेरा वीडियो है और अभी की जो बातचीत है, इन दोनों को अब जोड़ दीजिए घटनाक्रम पर। तो एक तो हिस्सा वो हो गया जिसमें साजिश तो हुई है, वो राजनीतिक साजिश है बड़ी, जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सभी से सवाल पूछा जाना चाहिए, जिसमें महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे एक समय तो कहते हैं कि टारगेट सबको घर में रखना है और जीवन बचाना है, उसके बाद कह रहे हैं कि अरे बिना भेजे काम नहीं चलेगा, वो तो खाना लेने को तैयार नहीं। वही बात विनय दुबे भी कह रहा है कि वो खाना नहीं चाहिए उनको, उनको घर भेजो। अरे भाई कौन से ऐसे लोग, बंबई में रहने वाले ये लोग कितने लोग हैं जो साल भर से पहले घर जाते हैं, पड़े रहते हैं मुंबई में लेकिन घर नहीं जाते हैं। ये बात सुनते हुए आपको लग रहा होगा कि मैं संवेदनहीन बात कर रहा हूं, लेकिन सच यही है, मुंबई से कोई ऐसे अपने घर नहीं जाना चाहता है। साल में एक बार चले जाए तो बड़ी बात, अभी कहा जा सकता है कि उस वक्त उनके पास काम रहता है, कमाई रहती है, लेकिन क्या महीने भर में ये आपात स्थिति आ गई, और वो भी तब जीवन आपका दांव पर हो, जोखिम में हो। तो ये खतरनाक प्रवृत्ति है जिसको विनय दुबे जैसे लोग भड़का रहे हैं, समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ऊपर दंगा फैलाने का भी मामला दर्ज होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और विनय दुबे जैसे लोगों को आजीवन किसी भी जो जनप्रतिनिधि वाला जो पद है उसके लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करना चाहिए। और अगर लग रहा है कि आजीवन नहीं तो कोई तय करे कि अच्छा ये पहली चेतावनी है, ये दूसरी चेतावनी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर आजीवन, कोई तो तरीका तय करेंगे ना। दुनिया के अपराध होते हैं तो उसमें आप छोटी छोटी चोरी पे भी आप उसको जेल में डाल देते हैं, और इतना बड़ा अपराध, समाज को विभाजित कर दिया, दंगे की स्थिति हो गई, उस पर आपको कोई सवाल पूछने वाला नहीं। ये सोचिए, ये विनय दुबे का मसला सिर्फ नहीं है, ये मसला बहुत गंभीर है, और वो विनय दुबे प्रजाति, इस व्यक्ति पे तो जो कार्रवाई होनी होनी है तो तुरंत करनी चाहिए। अभी गिरफ्तारी हुई है, कड़ा से कड़ा प्रोविजन हो, और ऐसे लोग खुले घूमेंगे तो ये संकट खड़ा करेंगे, फिर से यही करेंगे। ये बहुत ही मैनियक टाइप, मुझे लगता है साइको है ये, विक्षिप्त टाइप आदमी है कि जिसको चुनाव लड़ना है, नेता बन जाना है, कोई समाज का काम नहीं करना है, किसी भी तरह से विधायक सांसद बन जाना है। तो ऐसे लोगों से बचने की बड़ी जरूरत है। वैसे ही हम बड़ी महामारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, आपात स्थिति से जूझ रहे हैं। तो ये दोनों वीडियो आप मिला के देखिएगा, महाराष्ट्र की साजिश वाला और ये अभी वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी लोग जो मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं वो तो जानते ही हैं कि सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाई है। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे यूट्यूब चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन वाली घंटी जो बेल आइकन है उस पर भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको जो सूचनाएं हैं वो आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।